रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलपली म्यूनसिपालिटी में हमारे नखवी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता एनआरडी मैडम की हिदायत पर यहाँ पर पहाड़ी शरीफ में इनाग्रेशन रखा गया था, जिसकी लागत 15 लाख है। और ये 12 और 13 वार्डों में जो मेन जो ड्रेनेज लाइन के जो प्रॉब्लम्स है रमज़ान से पहले ख़त्म करने के लिए, ये मस्जिदों के अतराफ जो गंदगी है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे काउंसलरों ने हमसे नुमाइंदगी की थी, जैसे दस्तगीर साहब और हमारे कुंडल यादव और हमारे नमू भाई मिलकर यहाँ पर नुमाइंदगी की थी। और दरगाह का भी मसला उरस का मसला था, उसके भी लिए इंतजाम किए गए बल्दिया की जानिब से, 10 लाख रुपये सेंक्शन करा कर वहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम और पूरा कलर वगैरह जो भी मेंटेनेंस पैच वर्क्स जो भी ज़रूरी इंतजाम है उरस के लिए वो पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही तरक्याती काम चलते रहेंगे बगैर मज़हब मिल्लत के इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहाड़ी शरीफ जलपल्ली म्यूनसिपल 13th वार्ड में ड्रेनेज लाइन इनाग्रेशन हुआ था। हमारे मैडम साहिबा एजुकेशन मिनिस्टर के जानिब से जो कामा हो रहे अच्छे हो रहे। हमारे जलपल्ली कमिश्नर साहब भी आके नुमाइंदगी करके गए, इससे पहले ईडी सर वर्क इंस्पेक्टर भी आके देखे गए। ये मस्जिद का मसला है, हमारा कमिश्नर साहब भी मौजूद दिए थे। अभी तक हमारे चेयरमैन साहब भी आके इनाग्रेशन करे ये वार्ड का, 13 नंबर वार्ड का, कितने के दिन से बोले उन्होंने आए देखे सैंक्शन भी करे। हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद का मसला है भाई, यहाँ से मोता का भी बहुत तकलीफ़ थी, ये 25-30 साल से कोई भी नहीं करे। हम आए बाद ही बहुत पब्लिक आवाम को हम बात दिए थे इलेक्शन में, जो कामा कराते हम वोट डाले तो चाह देंगे बोल के हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर आके इनाग्रेशन करे। ये 7,20,000 का ड्रेनेज वर्क है, इनाग्रेशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चेयरमैन साहब का। यहाँ पर ऐसे हमारे कार्यकर्ता मुकामी लीडरा और हमारे दस्तगीर भाई नमो भाई हमारे सुरेश गौड़ साहब हमारे मिनाज इमरान रहीम भाई जो महिला अध्यक्ष रालू है रहमत उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you.